इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। कि सूरज की मौत कोई हादसा नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। धर्म ओबेरॉय के यहाँ एक बार फिर मौत का तांडव, उनके दोस्त सूरज की भी मौत। धर्म ओबेरॉय के बेटे राज झूल रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बंगले पर देर रात तक चली पार्टी में चार और दोस्त मौजूद थे। ड्रग्स और शराब के कई दौर चले, उसी दौरान हुआ हादसा और हादसे के बाद चारों दोस्त फरार। ओबेरॉय परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक ये सब राज को खत्म करने की एक साजिश। परिवार ने कहा इस सारे कांड के पीछे राकेश मल्होत्रा का हाथ, राकेश की बीवी शिवानी का साफ इनकार, हॉस्पिटल और ओबेरॉय के बंगले पर पुलिस का पहरा और मीडिया को नो एंट्री। उस रात के बाकी रहस्य के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने उस प्लान की मिट्टी का टेस्ट किया और वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कल रात पार्टी के दौरान किसी ने उस प्लांट में खूब सारी शराब डाली थी। बजानता जमाने का और बाकी सबके मेडिकल रिपोर्ट्स। सब ये रहे। और आज की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर से काफी मात्रा में शराब मिली है। राइट सर, इससे तो ये बात साफ जाहिर हो गई कि राज वो शख्स नहीं है जिसने उस प्लांट में शराब डाली थी। करेक्ट। और सूरज की मेडिकल रिपोर्ट भी मेरी बात को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। माने का कि सूरज की मौत का कारण ड्रग्स की हेरा फेरी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सूरज ने हेरोइन के साथ ब्राउन शुगर ली थी और हेरोइन और ब्राउन शुगर का यह मिक्सचर उसके लिए खातिरजना साबित हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रॉडी, काफी एक्साइटेड साउंड कर रहे हैं। कम इन। सर, हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। क्या बात है बेटा?
सर, सूरज के घर से हमने जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे, खास तौर से उस ड्रावर और की बॉक्स से, वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं हमारे एक सस्पेक्ट से। What? इंस्पेक्टर राठी, प्लीज और पहेलियां मत बुझाइए, बताइए कि कौन है वो। जी, वो सस्पेक्ट है श्वेता। श्वेता? अरे वाह सर, फिर तो केस सॉल्व हो गया, यानी श्वेता ही वो शख्स है जिसने सूरज का कत्ल किया। नहीं मोनिका, जरूरी नहीं है। माना कि श्वेता ने चाबी चुराई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सूरज का कत्ल श्वेता ने नहीं, किसी और ने किया हो, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो श्वेता को सूरज का कातिल साबित कर सके। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सूरज को उस आदमी ने मारा है जिसने प्लांट में शराब डाली। ओह, आई सी। क्या क्या बात है सर? अरे, श्वेता के खिलाफ हमें पुख्ता सबूत मिल गया है। श्वेता को हम अभी हिरासत में ले सकते हैं। श्वेता को हिरासत में? मैं कुछ समझा नहीं। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साहिल, पवन और पूजा के जिस्म में शराब के जो अंश मिले हैं वो काफी नॉर्मल है, लेकिन श्वेता के जिस्म में नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। वो इसलिए कि इस पार्टी के दौरान वो तीनों तो शराब धीरे धीरे पानी या सोडा मिला के पीते रहे, और श्वेता अपनी शराब का ग्लास उस पौधे में डालती रही जिसकी वजह से मिट्टी गीली हो गई, और सूरज के ड्रग्स बदलने के बाद उसने बोतल उठाई और बिना पानी या सोडा मिलाए नीट मुंह से लगाई और पी गई, ताकि अगर मेडिकल चेकअप हो तो यह पता चले कि वो नशे में थी, उसने शराब पी हुई थी। ओह माय गॉड, तो श्वेता ने चालाकी जरूर दिखाई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से उसकी पोल खुल गई। देखा इंस्पेक्टर आटी, मैंने कहा था ना, श्वेता ही सूरज की कातिल है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सूरज का कत्ल श्वेता ने ही किया है, और पुलिस उसे पूछताछ के लिए पकड़ती इसके पहले ही वो सूरज के घर गई और उसने वो चाबी चुराई। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, सारी गुत्थियों को श्वेता ही सुलझाएगी। सो लेट्स गो एंड गेट हर। करण, द डिटेक्टिव। Oh my God! मेरे ख्याल से श्वेता का कत्ल उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत सूरज का कत्ल हुआ और वो चाबी गायब हुई। मगर कैसे सर? अब ये तो साबित हो चुका है कि श्वेता ने ही सूरज का कत्ल किया और चाबी चुराई। अब सवाल ये उठता है कि श्वेता ने यह काम किसके इशारे पर किया? इससे पहले कि हम श्वेता तक पहुंचे उसने उसे मार डाला। कौन है वो इंसान? लेकिन हमें यह पता नहीं चल पाया कि श्वेता ने सूरज का कत्ल क्यों किया और वो चाबी क्यों चुराई। मेरा मानना है कि श्वेता ने यह काम किसी बहुत बड़ी रकम के लिए किया है। जब श्वेता का यह काम हो गया तो कातिल ने सूरज की तरह उसे भी मार डाला, ताकि सारे राज श्वेता के साथ दफन हो जाए। ओह आई सी। और हमारी पूछताछ के बाद जब श्वेता घर आई तो उसने कातिल को कॉन्टेक्ट किया और कातिल फौरन यहां आया। फिर सर? मोनिका, कातिल का हमेशा एक ही मकसद था, उस चाबी को हासिल करना और उन लोगों को अपने रास्ते से हटाना जो चाबी के बारे में जानते थे। तुमने शायद ठीक से नोटिस नहीं किया कि जब श्वेता से हमने हॉस्पिटल में पूछताछ की थी तो उसके गले में एक सोने की चेन थी जो अब नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता को उस चाबी की अहमियत मालूम थी।
और उसने उस चाबी को अपने सीने से लगा के रखा था। कातिल यह जान गया था कि वो चाबी श्वेता की चेन में लगी हुई है और जल्दबाजी में वो चाबी हासिल करने के लिए उसने श्वेता के गले से पूरी चेन उखाड़ ली। देख रहे हो निशान श्वेता के गले में? श्वेता ने जीते जी चेन तो नहीं दी मगर जान दे दी। सर इसका मतलब जब हम लोग श्वेता से पूछताछ कर रहे थे तो वो चाबी वहीं मौजूद थी श्वेता के गले की चेन में। करेक्ट, जो अभी श्वेता के कातिल के पास है और कातिल ने उसी चेन से श्वेता की जान ली। अगर कातिल ने श्वेता की जान उसी चेन से ली है तो श्वेता के हाथों में ये खून क्यों? वो इससे राठी कि श्वेता और कातिल के बीच जरूर हाथापाई हुई होगी। कातिल के भी चोट लगी होगी, उसके भी खून निकला होगा। अगर तुम श्वेता के नाखूनों को गौर से देखो तो उसमें कातिल के स्किन और खून के रेशे मिलेंगे। कातिल ये जानता था कि अगर उसका खून मौका वारदात पर मिलता है तो वो जरूर फंस जाएगा, इसलिए उसने अपना खून और श्वेता का खून मिक्स कर दिया ताकि खून एक ही लगे। राठी, श्वेता के नाखूनों की और उसके हाथ में जो ये खून है उसकी फॉरेंसिक जांच करवा और उसके डीएनए रिपोर्ट फॉर्म में चला के दो। कातिल तक पहुंचने का हमारे पास यही एक रास्ता है। करण साहब, आपका शक बिल्कुल सही निकला। श्वेता की बॉडी और नाखूनों से जो खून पाया गया है वो दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप का है। यह रही उसकी रिपोर्ट। मानिका, मुझे साहिल, पवन और पूजा की ब्लड रिपोर्ट देना। आई सी, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बात है सर? हमारे अनजान कातिल का ब्लड ग्रुप और पूजा का ब्लड ग्रुप एक है। What? तो क्या पूजा ने? इतनी भी जल्दबाजी अच्छी नहीं है मारे का। कातिल और पूजा का ब्लड ग्रुप अगर एक है तो ये एक महज इत्तेफाक भी हो सकता है। एक काम करो, तुम कातिल के ब्लड के डीएनए की रिपोर्ट तैयार करवा और उसे पूजा के डीएनए की रिपोर्ट से मैच करवा। एक चीज और, मुझे उस हर शख्स की डीएनए रिपोर्ट चाहिए जिसका इस केस से जरा सा भी ताल्लुक है, और ये काम बड़े एहतियात से करना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। ओके ओके सर। बस एक बार राज ओबरॉय को होश आ जाए तो इस केस में मैं। हेलो, यस, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। राठी, कोई खास बात? करण साहब, अगर आपने इस वक्त कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। हॉस्पिटल से फोन था, राज ओबेरॉय को होश आ गया। Fantastic. तुम दोनों अपना काम खत्म करो और मैं राज ओबेरॉय से मिलता हूं। करण, द डिटेक्टिव। ओह माय गॉड, पहले सूरज और अब श्वेता भी। जान, दोनों कत्ल के पीछे कातिल का मकसद एक ही था। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो उसके लिए बहुत अहम है, बहुत कीमती है उसके लिए। और मेरा अंदाजा है कि आप जानते हैं कि वो कीमती चीज क्या है। मेरा क्या लेना देना हो सकता है? लेना देना है मिस्टर राज, और से देखिए इस की बॉक्स को। ये की बॉक्स हमें सूरज के घर से मिला है बगैर चाबी। मेरे दिमाग में एक छोटी सी घंटी है मिस्टर राज, जो बार बार बज रही है और यही कह रही है कि आप जानते हैं कि वो सीक्रेट लॉकर कहाँ है और ऐसी कौन सी कीमती चीज उस लॉकर में है जिसे कातिल हासिल करना चाहता था। आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, वरना और भी तरीके आते हैं मुझे। अरे क्या 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 कर रही हो? मुझे निकल जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़े तो जाएंगे, अपना ये कुर्ता देखा, समाज सेवक अब हीरो ज्यादा लग रहा। अब जो मुझे मिला मैंने पहन लिया, पर ये जूते देखे हैं अपने,
अपनी मुझे देखिए, अपनी शक्ल देखिए। हाँ, बहुत अच्छी है। आप तो बहुत ही अच्छी है। चलो बहस बाद में कर लेंगे, अभी जो काम करने हैं वो करते हैं। चलो बेल बजाओ। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी हम सहायता नाम के एक एनजीओ से आए हैं। फिलहाल प्रोग्राम के तहत हम एरिया वाइज लोगों के नाम और उनका ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इमरजेंसी में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। गलत स्नेहा, मदद नहीं सहायता। आखिर हमारे एनजीओ का नाम सहायता है ना मैडम? ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी राजेश जी, जरा बतियाना काम करिए और अपना काम कीजिए। आओ, आई एम सॉरी। स्नेहा जी थोड़ा बैग पकड़ें। हाँ हाँ जी जरूर। हाथ देंगे प्लीज। हाथ को मोड़ लीजिए। स्नेहा जी बॉटल निकाली। अच्छा मैं निकाल। जी मैडम जी, आपका नाम क्या है? जी शिवानी मल्होत्रा। हाँ जी। अच्छा मैडम, धन्यवाद। हीरो जैसे कपड़े तो पहन रखे, वैसे एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते। फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? वैसे छोटे मोटे रोल तो कोई दे ही देगा। अगर देशभक्ति की भावना मेरे अंदर नहीं होती ना, तो आज मैं हीरो ही होता। हाँ ठीक है, डायलॉग मना बंद करो। चलो चलो। मोनिका। हाँ मोनिका बोलो। सर मैंने सारे फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। उन्हें स्टडी करने पे दो बातें सामने आई। सर पहली बात, पिछले हफ्ते श्वेता को किसी ने पूना एयरपोर्ट के पास से एक ही एसटीडी बूथ से चार बार फोन किया था। सर मैंने उसी फोन बूथ पर फोन किया था इंक्वायरी के लिए, लेकिन फोन अटेंडेंट कुछ भी नहीं बता पाया कि वो आदमी कौन था। और सर दूसरी बात, सूरज के फोन रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसने पिछले हफ्ते किसी को आर्थर रोड जेल में फोन किया था। हाँ मोनिका, मैं जानता हूँ कि सूरज ने आर्थर रोड जेल फोन क्यों किया था। राज ने इस केस की कुछ ऐसी बातें मुझे बताई हैं कि धीरे धीरे सब कुछ साफ नजर आता जा रहा है। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि श्वेता के जिस्म पर मिले वो खून के दूसरे छींटे किसके थे, हमें पता चल जाएगा कि कातिल कौन था, साजिश किसने रची थी और इस केस का मास्टरमाइंड कौन है। सर शाम तक आपको सभी लोगों की डीएनए रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। Good. Karan, the detective. आज की ताजा खबर। आज अचानक राज ओबरॉय ने राकेश मल्होत्रा के खिलाफ दिया अपना पिछला बयान बदलकर सबको चौंका दिया। राज मल्होत्रा के नए बयान के मुताबिक राकेश मल्होत्रा ने उनके पिता धर्म ओबरॉय पर गोलियां सेल्फ डिफेंस में चलाई, लिहाजा अदालत ने राकेश मल्होत्रा को बाइज्जत बरी कर दिया। कमाल कर दिया शिवानी, एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ये काम पूरा कर ही नहीं पाओ, लेकिन तुमने सूरज की चाबी हासिल कर ही ली। बहुत मुश्किल से चाबी हासिल की मैंने राकेश। श्वेता को मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा कि जब तुम जेल से निकलो अपना बदला जरूर पूरा करो। बदला पूरा होगा शिवानी। राज को मारकर क्यों मिस्टर राकेश, राज को मारकर ही आपका बदला पूरा होगा ना? आप कौन हैं? रिश्ते में तो ये सबके बाप लगते हैं और नाम है करण। करण द डिटेक्टिव। सॉरी। आपका खेल कौन सा खेल? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? वही खेल जो आपने शुरू किया था धर्म ओबरॉय की जान लेकर, जिसे अंजाम आपने दिया शिवानी जी, श्वेता की जान लेकर। कौन श्वेता? वही श्वेता जिसे सूरज को मारकर चाबी नंबर
3 हासिल करने के लिए आपने हायर किया था, उसने अपना काम किया और आपने श्वेता का काम तमाम कर दिया ताकि कोई गवाह कोई सबूत बाकी ना रहे। कौन सी चाबी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो चाबी जो आपके हाथ में है, ये तो मेरे बैंक के लॉकर्स की चाबी है। ये किसी बैंक लॉकर की चाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसे लॉकर की चाबी है जिसमें एक डायरी है, धर्म ओबेरॉय की डायरी, जिसमें उसके, आपके और सूरज के काले धन ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं। आपको ये जानकर शायद दुख होगा कि राज होश में आ गया। होश में आते ही हमने उसे जरा सी मिर्ची क्या दिखाई, बस तोते की जरा उसने जबान खोल दी। तो क्या 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 बता दिया है उसने? उसने लॉकर और डायरी के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। इस लॉकर की 3 चाबियां हैं, एक धर्म ओबेरॉय के पास थी, दूसरी सूरज के पास और तीसरी आपके पास। धर्म ओबेरॉय की चाबी कहां ये किसी को नहीं मालूम, इसलिए आपने श्वेता को हायर किया, सूरज को मरवाया और सूरज की चाबी हासिल की। और राज के साथ आपने डील ये की कि अगर वो ये बयान दे देता है कि आपने उसके पिता का कत्ल नहीं किया बल्कि खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चलाई, तो आप उसे आधा पैसा दे देंगे। लेकिन यही सच है, मैंने वाकई धर्म को कत्ल करने के इरादे से गोली नहीं चलाई थी। प्लीज स्टॉप दिस। आप धर्म ओबेरॉय का कत्ल करने ही उसके घर गए थे और मैं जानता हूं क्यों। आपकी बेटी वो धर्म ओबेरॉय के बच्चे की मां बनने वाली थी, और जब ओबेरॉय को इस बात का पता चला तो बहाना बनाकर अमेरिका चला गया। टूट के बिखर गई आपकी बेटी और एक सुइसाइड नोट लिखकर उसने आत्महत्या कर ली। जानता हूं मिसेस शिवानी, वैसे तो आपने हर काम बहुत ही चालाकी से किया ताकि आप पकड़ी ना जाए। आपने पूना एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट के टेलीफोन बूथ से श्वेता को फोन किया, उसे हायर किया ताकि वो सूरज का कत्ल कर सके और वो चाबी आपको लाकर दे। जब वो चाबी आपको हासिल हो गई तो आपने उसका कत्ल कर दिया। आपके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए रिपोर्ट कातिल के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए रिपोर्ट से मैच करती है, और पुणे के टेलीफोन बूथ से आपकी पहचान भी करवाई जा चुकी है। सब मैं और करते भी क्या? हम सिर्फ एक ही बच्ची थी हमारी, कितने सपने देखे थे हमने उसके लिए। तो ये थी आपके जुर्म की कहानी मिस्टर राकेश। कहानी नहीं, हकीकत। लाठी टेक देम। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं, अगर लेंगे तो इसकी सजा तो मिलेगी, और बदले की आग ना सिर्फ मुर्दों को बल्कि जिंदा इंसान को भी जला के राख कर देती है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे
वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। हर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है, फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The teacher, the teacher.